Yes. Good evening, all of you. So, we were about to discuss the magnetic fields due to electric currents. तो इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टाइम साइक्लोट्रॉन के बारे में बात की थी, बराबर? तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी फास्ट मूविंग चार्जेस, और वी कैन से फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स. तो चार्ज पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स जो है, तो वो हमको जरूरी होते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए, और उसके लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं. वेंडीग्राफ जनरेटर भी हम वही काम करता है, बट हमको पता है कि वेंडीग्राफ जनरेटर इज यूज ऑन डीसी, इट वर्क्स ऑन डीसी, एंड साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन एसी, एंड दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज साइक्लोट्रॉन मोर देन द वेंडीग्राफ जनरेटर. ओके, वेंडीग्राफ जनरेटर का दूसरा भी यूज एक अलग है कि इट कैन बी यूज टू होल्ड द चार्जेस, द स्टोर द चार्जेस, तो वो अलग बात है. बट हाई हाई स्पीड में मूव होने वाले चार्जेस पैदा करने के लिए हमको साइक्लोट्रॉन बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ओके, सो लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने साइक्लोट्रॉन के जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और उसका जो वर्किंग है वो देखा था, और एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है तो वो तो हमने देखा था, चलो ठीक है, बट एग्जैक्टली वो क्यों होता है वो हमको अभी आज के लेक्चर में समझना है. सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल फॉर्मूले एंड सम एक्सप्रेशंस अबाउट दिस साइक्लोट्रॉन. जैसा कि हमको ये तो समझना है कि एक्चुअली हमने कल ये टेंटेटिवली ऊपर ऊपर से तो बताया था कि साइक्लोट्रॉन पार्टिकल रिक्वायर्स सेम टाइम टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल, करेक्ट है? एक सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए साइक्लोट्रॉन को, मतलब इस सॉरी पार्टिकल को सेम टाइम लगता है, हर सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए सेम ही टाइम लगता है. और उसका जो रीजन है तो वो हमने एक सिंपल से लॉजिक पे अंडरस्टैंड किया था कि जैसे साइक्लोट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल मूव करता है, तो जब वो एक सेमी सर्कल कंप्लीट करता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द पार्टिकल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द साइक्लोट्रॉन जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी बढ़ता है, और उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन के कारण उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है, बिल्कुल. और एट द सेम टाइम रेडियस भी तो बढ़ता जा रहा है, देखो स्पाइरल पाथ वो फॉलो करता है, सो इट गोज ऑन, इट्स रेडियस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग बेसिकली, एंड दैट्स वाई वी कैन सी द रेडियस एंड वेलोसिटी बोथ इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, एंड दैट्स वाई इट हैपेंस दैट द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन ऑलवेज हैव द सेम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेमी सर्कल, एवरी सेमी सर्कल, हर एक सेमी सर्कल के लिए उसको सेम टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो उसके रेडियस के साथ प्रोपोर्शन में होता है. बट ये हमने जस्ट ऐसा होता है कि हमने, चलो ठीक है, एक होता तो है एक्चुअली, बट वी हैव जस्ट सीन इट टेंटेटिवली. बट नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रूव दिस मैथमेटिकली, दैट हाउ दिस वेलोसिटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ दिस पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट. हर इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी और रेडियस, इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होना, ये हमको प्रूव करना है आज के लेक्चर में. चलो ठीक है, सो लेट अस ड्रॉप दिस पोर्शन हियर. टेक इट टू द न्यू पेज so that we can discuss it in more detail. Okay, so imagine this is the particle in cyclotron and it is moving in a circular path. Actually, it is moving in a spiral path, right? तो spiral path को follow करता है और इस तरह से आगे बढ़ता है, और उसका radius भी बढ़ता जाता है, velocity भी बढ़ता जाता है. Here, one thing is to understand is that the centripetal force which is necessary for the circular motion of this particle is provided by the magnetic force acting on this particle.
सो जैसा कि हम जानते हैं, जो सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक सेंट्रिपेटल फोर्स जरूरी होता है, बराबर। और वो फोर्स जो है वो यहाँ पे mv² / r इस फॉर्मूला से एक्चुअली निकाला जा सकता है। और अभी हमको ये पता चल रहा है कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल गोइंग टू बी इक्वल टू mv² / r, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, ये अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो तो हमको मिलेगा m v² / r इज एक्चुअली गोइंग टू इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। हाउ मच इट इज q v × b, करेक्ट है। तो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फोर्स। यस, नाउ वी कैन से दिस ये जो v² और v जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे v और इस तरफ से v², इफ यू कैंसिल इट आउट देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज सिंपली m v / r इज एक्चुअली इक्वल टू qb, करेक्ट है। तो दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट हियर, ओके। एंड इफ वी जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन हियर देन वी कैन जस्ट गेट इट एज v इज एक्चुअली इक्वल टू q b r upon m। एंड नाउ इफ वी सी दिस इक्वेशन केयरफुली देन वी कैन सी दैट दिस q b upon m इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट, राइट। एंड इफ यू ट्रीट इट एज अ कॉन्स्टेंट एंड टेक इट इन अ ब्रैकेट देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज r आउटसाइड, राइट। एंड इफ सिंस दिस q b and m ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, ओके, ये सब तीनों जो कॉन्स्टेंट्स है और ये कॉन्स्टेंट्स होने की वजह से हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि वेलोसिटी v इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। देखो यही तो है जो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव, कितना सिंपल है। देखो वेलोसिटी ऑफ द साइक्लोट्रॉन पार्टिकल इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट एट एवरी इंस्टेंट। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय जस्ट इक्वेटिंग, बिकॉज दिस सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। इफ यू इक्वेट दिस टू वेलोसिटी गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज सिंपली mv / r इक्वल टू qb, व्हिच गिव्स दैट v इज इक्वल टू qbr / m, मींस v इज प्रोपोर्शनल टू r, बिकॉज यू नो दैट दिस qb/m इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट, ओके। तो ये तो चलो हमको मिल गया। इवन यही जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, r इज एक्चुअली इक्वल टू mv/qb, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, बिकॉज r इज द इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन mv/qb, करेक्ट है। सो ये भी हम कर सकते हैं नो डाउट, और इवन ये भी निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू qbr/m, ये भी हम समझ सकते हैं। बट हियर द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट दिस वेलोसिटी v इज अ वेरिएबल एंड r इज ऑल्सो अ वेरिएबल, एंड दैट्स वाई दिस टू वेरिएबल क्वांटिटीज आर जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। दैट मीन्स एज दिस रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट दियर रेशियो हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट। And using this fact, we can just find out the expression for period of particle inside this cyclotron. So, what is the formula for period? तो देखो यहाँ पे, suppose we want, क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइम पीरियड okay, so we want to find out suppose the equation for the time period of revolution of this cyclotron particle, yes। so uske liye sabse pehle aapko kya karna padega, we know that the period of circular motion, jo period hota hai wo kaise nikala ja sakta hai, to uske liye hamare paas ready made formula hai period nikalne ke liye, jo ki humko pata hai already v sorry t is actually equal to 2 pi r upon v, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हमारे पास है पीरियड के लिए, यस, ओके। सो इफ यू सपोज जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ r और v हियर, तो
टू पाई बाई वी जो है वो एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे आर के बदले क्या करना है, ये देखो ये आर के बदले उसका जो वैल्यू है वो हमको डालना है, जिससे हमको ये मिल गया है वी एम वी अपॉन क्यू बी, करेक्ट है। जिसको सॉल्व करने से देखो हमको क्या मिलेगा, तो फिर से एक बार हम देख सकते हैं आराम से, ये जो वी है तो दिस वी विल गेट जस्ट कैंसल्ड, ओके, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज सिंपली टी इज इक्वल टू, तो टी इक्वल टू क्या बनेगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, दैट्स इट। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पीरियड ऑफ पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, ओके। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल घूमता है तो उस पार्टिकल का जो पीरियड है तो वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं आराम से, लेकर लिख से, समझा लिख से, एनी डाउट, ओके। टू पाई एम अपॉन क्यू बी, जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला एज इट इज, एंड ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द सेमी पीरियड मतलब क्या, टी हाफ वी कैन से, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन मतलब सेमी सर्कल, तो वो तो बनेगा पाई एम अपॉन क्यू बी, करेक्ट है। अभी इस इक्वेशन के अंदर तुमको किधर भी वेलोसिटी तो नहीं दिख रहा है, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, सारे कॉन्स्टेंट्स है। देखो एम इज कॉन्स्टेंट, पाई ऑलरेडी प्योर कॉन्स्टेंट, क्यू इज कॉन्स्टेंट, बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो हेंस वी कैन से दैट द सेमी पीरियड इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स द पार्टिकल रिक्वायर्स द सेम टाइम टू कंप्लीट एवरी सेमी सर्कल, ओके। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ओके। हाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल, यस, सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ओके। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा हमको, यस, सिंपली हमको यहाँ पे टाइम पीरियड का रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिल्कुल। सो लेट अस डू दैट, ओके। पीरियड भी हमको निकालना है एंड फ्रीक्वेंसी भी निकालना है सपोज, ठीक है। यस, एंड सपोज दैट वी वांट टू फाइंड आउट इट्स एनर्जी आल्सो, ओके। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, इसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी हमको निकाल के दिखाना है, यस, ओके। उससे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हाउ विल यू गेट द फ्रीक्वेंसी, सो सी हियर, फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, राइट, सो वी कैन गेट दिस फ्रीक्वेंसी एफ टू बी सिंपली इक्वल टू वन अपॉन टी, ओके। सो हियर इट इज वन अपॉन टी, नो डाउट, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ टी हियर देन वी कैन गेट दैट एफ इज इक्वल टू, इफ टी का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी टू पाई एम अपॉन क्यू बी, राइट, सो इफ यू जस्ट टेक दिस रेसिप्रोकल देन वी कैन गेट इट एज क्यू बी अपॉन टू पाई एम, दैट्स इट। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, करेक्ट है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। वन मोर थिंग इज टू नोट हियर दैट दिस फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल, राइट, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है, नो डाउट, बट ये हमको पता है ऑलरेडी कि व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, और वी कैन से यहाँ पे हमने कल एक्सप्लेन किया था कि जब ये पार्टिकल एक सेमी सर्कल कंप्लीट करता है तो ये पोलैरिटीज तुरंत अपोजिट हो जाते हैं, ये जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और ये माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, करेक्ट है। और ये पार्टिकल जब फिर से दूसरा एक सेमी सर्कल कंप्लीट करता है और यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाता है, मतलब ये जो माइनस था वो प्लस बन जाता है और ये जो माइनस प्लस था वो माइनस बन जाता है, मतलब पोलैरिटीज जस्ट रिस्टोर बैक व्हेन दिस पार्टिकल कंप्लीट्स वन फुल रिवॉल्यूशन हियर, दैट मींस एक पार्टिकल को एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इन पोलैरिटीज को दो बार स्विच होने के लिए लगता है, और उसी को तो ऑल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट कोई भी जो होता है ना उसका फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, उसका भी टाइम पीरियड होता है। अगर समझो ऑल्टरनेटिंग करंट है,
मान लो उसका ग्राफ जो है वो ऐसे हमको मिलने वाला है, ये सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हम देख पा रहे हैं, यस ऐसे सपोज। ओके, इट विल बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट साइकिल एंड अदर अदर टर्मिनल विल बी नेगेटिव ऑब्वियसली। ओके, बट इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव हियर, जो टर्मिनल पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया अभी, ठीक है। बट इन द नेक्स्ट साइकिल व्हाट हैपन हियर इज अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव, जो टर्मिनल पहले पॉजिटिव था जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया और जो नेगेटिव था वो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, बिल्कुल। तो दिस हैपन्स इन दिस केस हियर, तो ये पॉजिटिव पहले था और फिर से पॉजिटिव बनने के लिए बीच में जो टाइम गैप आ जाता है तो उसको हम उस एसी का टाइम पीरियड बोल सकते हैं, और उस एसी के टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको एसी का फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके, और ये पार्टिकल का जो रिवॉल्यूशन है और ये जो एसी का जो साइकिल्स है तो वो दोनों परफेक्ट मैच होने के लिए दोनों के टाइम पीरियड्स इक्वल होने जरूरी है। ओके, तो ये जो टाइम पीरियड टी हमने यहाँ पे बोल के रखा है इसको, तो ये टाइम पीरियड एक्चुअली सिर्फ पार्टिकल का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं है बल्कि वो एसी के दो क्रेस्ट के बीच में का भी डिस्टेंस उतना ही है, या दो ट्रफ्स के बीच में का डिस्टेंस भी उतना ही है, टाइम मतलब टाइम इंटरवल भी उतना ही है। तो इसलिए एसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी, और जो इस पार्टिकल का रिवॉल्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल हुआ करता है, ये बात अच्छी तरह से याद रखो। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकल हियर, रिमेम्बर। तो इसलिए ये बात जो है वो तुमको न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगी, याद रखो ठीक से। तो इसमें जो एसी का जो फ्रीक्वेंसी है तो वो अगर दिया है तो इनडायरेक्टली हमको क्या दिया है, पार्टिकल का रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एसी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये जो एसी जो कोई भी पार्टिकल का रिवॉल्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी है तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो भले उनके डेफिनेशंस अलग अलग है बट दोनों जो मैग्नीट्यूड में सेम ही होते हैं, सो वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज एक्चुअली गोइंग टू बी सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल, रिमेम्बर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, याद रख से। चलो ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी ट्राई करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। सो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा कोई तो फॉर्मूला है ही नहीं। चलो ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, यस। सो ये फॉर्मूला के अंदर हमको क्या करना है, इस वी के बदले ये देखो उसका जो वैल्यू है कि नहीं यहाँ पे, ये देखो ये वाला, तो ये पूरा हमको वैल्यू उसका डालना है, बिल्कुल। तो इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हियर इन दिस इक्वेशन देन व्हाट कैन वी गेट हियर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी का स्क्वायर ना, तो वी कितना है देखो यहाँ पे, तो इट इज क्यू बी आर अपॉन एम और ये उसका होल स्क्वायर, करेक्ट है, यस। अभी इसका अगर हम स्क्वायर जो है वो अगर एक्सपांड कर देंगे तो हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, सो इट इज हाफ इंटू एम इंटू यहाँ पे आ जाएगा क्यू का स्क्वायर, फिर वापिस आ जाएगा बी का भी स्क्वायर और फिर आर का भी तो स्क्वायर होगा यहाँ पे, देखो आर स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव टू डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ऑल्सो, तो एम का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे, यस। अभी यहाँ पे एक बात हम नोट कर सकते हैं कि एम जो है तो वो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम नीचे बचेगा, जिसके कारण हम नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकेंगे आराम से, देखो ठीक से। सो व्हाट कैन बी राइट इन नेक्स्ट स्टेप, इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन इज एक्चुअली गोइंग टू बी, सी हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यस, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर
upon 2m. Okay, so this is actually going to be the kinetic energy of this particle in cyclotron, right? Yes, तो इस तरह से हमको kinetic energy मिल जाता है. Okay, and this equation shows that this kinetic energy of the particle is a variable. Okay, it's a variable because it depends on small r here, which is going to be variable, changing. देखो यहाँ पे initial radius तो बहुत zero है, बहुत छोटा है, बट यहाँ पे रेडियस थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे रेडियस और बढ़ गया. ठीक है, जैसे जैसे स्पाइरल पाथ खुलता जाता है तो वैसे वैसे रेडियस जो है उसका बढ़ता जाता है. एंड बट वी नो दैट व्हेनेवर द लास्ट रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, जो लास्ट रिवॉल्यूशन जब ये पार्टिकल करेगा, सो इन दैट केस द रेडियस ऑफ दैट रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल विल बी एग्जैक्टली सेम एज द रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन. ओके, विच इज नोटेड बाय कैपिटल आर हियर. व्हाट इज कैपिटल आर हियर? Capital R is the radius of this cyclotron itself. Remember, ये जो cyclotron है तो उसका ही radius अगर हमने मान लिया, suppose it is capital R like this, तो हम बोल सकते हैं कि yes, this is the radius of cyclotron itself. And hence we can say that if we want to find out the maximum kinetic energy of the particle which is emerging out, तो ये kinetic energy जो है वो maximum कब बनेगा? When this small r will exactly become equal to capital R, correct है? और इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि maximum kinetic energy अगर हमको निकालना है, तो maximum kinetic energy will actually be equal to q square into b square into capital R square upon 2m. check, क्या किया हमने? maximum kinetic energy निकालने के लिए यहाँ पे स्मॉल आर के बदले क्या डाल दिया? कैपिटल आर डाल दिया. क्यों? क्योंकि व्हेन द पार्टिकल विल जस्ट इमर्ज आउट, इट्स रेडियस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन हियर, एंड दैट्स व्हाई दिस स्मॉल आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर, एंड इन दैट केस ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम. ओके, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन. यस, ओके. So these are some derivations which are in this cyclotron. तो ये यहाँ पे तीन derivations यहाँ पे हमने किए. देखो तीन questions यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहला question क्या है? Prove that. देखो एक से. The first question here is that prove that velocity of the cyclotron particle is actually directly proportional to radius. Velocity is directly proportional to yes. So this is the first question that can be asked here. Okay, so we have proved it here, right? And the second question can be asked here is simply find the expression for the time and time period and frequency. Just take the screenshot of this fast. Okay, okay, screenshot liya. देखो time period of and frequency of revolution of the particle in cyclotron ये भी पूछा जा सकता है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन ये भी पूछा जा सकता है, नो डाउट. ओके, यस, ओके, सो समझा इधर तक? एनी डाउट अबाउट दिस? चलो ठीक है. सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस साइक्लोट्रॉन. तो लिमिटेशंस में हम देख सकते हैं आराम से कि ये सबसे पहली बात कि साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन एसी, वो तो हमको पता है ऑलरेडी. दूसरी बात कि ये हम समझ सकते हैं कि द न्यूट्रल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो न्यूट्रल है, तो इट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय दिस साइक्लोट्रॉन. रिमेम्बर, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करना साइक्लोट्रॉन के द्वारा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तो चाहिए ना.
जब तक चार्ज नहीं है तब तक हम उसको एक्सलरेट नहीं कर सकते। जो पार्टिकल चार्ज कैरी करता है उसको ही एक्सलरेट करना पॉसिबल है साइक्लोट्रॉन से। जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो वी कैनॉट एक्सलरेट दैट पार्टिकल। ओके, तो ये सब चीजें हैं। यस, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक्चुअली अभी लास्ट लास्ट सेक्शन में हमने ये देखा कि कोई भी पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार इस फॉर्मूला से दिया जाता है। और उसमें वी बार क्रॉस बी बार स्टैंड्स फॉर द वेक्टर प्लॉट, बराबर है, वेक्टर प्लॉट। चलो ठीक है। और वो भी हमने ये देखा था कि वेन अ पार्टिकल एंटर्स राइट एट राइट एंगल्स देन एंड ओनली द पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी देयर इन दिस डायरेक्शन हियर। ओके, ये समझो मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज सपोज डायरेक्टेड इन दिस राइटवर्ड डायरेक्शन। एंड इफ सपोज द पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इट एंटर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इंटर करेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो हमने देखा था कि फोर्स जो है तो उसके ऊपर जो काम करता है तो वो राइट हैंड रूल से निकाला जा सकता है, बराबर है, ठीक है। और उसके में भी वी बार क्रॉस डी बार ये डायरेक्शन हमको मिलता है। चलो ठीक है। और बट अगर सपोज ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का वो अगर यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो ठीक से, सपोज वी हैव दिस एज एक्स एक्सिस एंड सपोज यस, देखो इधर यहाँ पे सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये मान दो वाई एक्सिस है और ये सपोज इधर जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अभी सोचो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी यहाँ पे बना हुआ है सपोज। So suppose that the magnetic field is going to be there, x-axis, y-axis, z-axis, ऐसा suppose है, and the magnetic field is suppose along y direction, okay? देखो ठीक से, magnetic field जो है, तो वो y direction में इसर फैला हुआ है। Can show that magnetic field by these lines.
So these are the lines of magnetic field, which is going to be there in the y direction. Yes. Okay. And now suppose the charge enters in this magnetic field along z axis. Okay. So चलो ठीक से कि अगर सपोज ये चार्ज जो है वो अगर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में अगर एंटर करता तो उसका जो ये है फोर्स है तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा निकाल सकते हो? चलो नहीं तो ऐसा करेंगे कि ये जो है ये सपोज इसको एक्स एक्सिस बोल देंगे ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस है ये मान लो y एक्सिस है और z एक्सिस तो ठीक है ना ऐसा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली ठीक है तो अब यहाँ पे समझो एक पार्टिकल जो है ना वो एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और वो भी इस डायरेक्शन में देखो z नेगेटिव z डायरेक्शन में एंटर करता है हु कैन टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल due to this motion. Just apply the right hand rule and tell me fast. Yes. Velocity is inwards, right? Magnetic induction is upwards. Okay. So where the force will be? Velocity से magnetic induction की तरफ हमको fingers turn करने हैं, है कि नहीं? तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स करेक्ट है मतलब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में फोर्स का अप्लाई काम करेगा ये समझ सकते हो ठीक से बिकॉज मैग्नेटिक इंडक्शन इज गोइंग टू बी देयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन तो इफ यू टर्न आवर फिंगर्स फ्रॉम वी बार टू बी बार then we'll get the direction of the force which is going to be in the x direction okay chalo theek hai agar ye aisa agar project kiya to uski wajah se wo x direction mein jayega no doubt agar wo v velocity se agar z direction mein agar enter karta hai to bilkul ye particle jo hai wo is taraf jayega x direction mein bilkul no doubt but abhi socho ki agar ye particle z direction mein enter nahi karta balki z axis ke sath kuch na kuch एंगल पे इंक्लाइंड डायरेक्शन में अगर एंटर करता है तो क्या होगा देखो सपोज दिस पार्टिकल एंटर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली अलोंग जेड एक्सिस बट इट इज गोइंग टू बी एट सम एंगल इंक्लाइंड टू दिस जेड एक्सिस ये देखो ऐसा तो इस वेलोसिटी के साथ अगर ये पार्टिकल एंटर करता है तो फिर क्या होगा तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा नो डाउट अभी भी हम अगर फिंगर्स हमारे टर्न करेंगे इफ यू टर्न आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वी बार टू बी बार वंस अगेन वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नो डाउट तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा जिसके कारण ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा बिल्कुल ओके चलो दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको If the particle enters in this direction here, then what will be the direction of the force? अब देखो, x direction में particle move कर रहा है, okay? तो velocity से magnetic induction की तरफ, मतलब velocity इस तरफ है और magnetic induction ऊपर की तरफ है. So if we curl our fingers, then the force will be outwards, right? Okay.
जैसे अनदर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो सपोज इस डायरेक्शन में है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, देखो इस तरह, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, यस, ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से। ओके, एंड जस्ट इमेजिन अ पार्टिकल एंटर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज स्प्रेड इन दिस एक्स डायरेक्शन, यस, एंड नाउ द पार्टिकल सपोज एंटर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द अलोंग वाई डायरेक्शन, सपोज अगर ऐसे ये पार्टिकल एंटर करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये पार्टिकल एंटर करता है, सोचो अभी बताओ फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा और पार्टिकल कैसा सर्कल परफॉर्म करेगा। यस, देखो वेलोसिटी डाउनवर्ड्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन राइटवर्ड्स, राइट, सो वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ फिंगर्स टर्न करो तो डायरेक्शन मिलेगा आउटवर्ड्स, बराबर है, आउटवर्ड्स, एज सून एज दिस पार्टिकल एक्सपीरियंस आउटवर्ड आउटर फोर्स इट विल गो ऑन बेंडिंग एंड इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक इंडक्शन लाइक दिस। तो उसका जो सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, दिस विल बी द सर्कुलर मोशन इन विच द पार्टिकल विल रिवॉल्व, यस, सो इस टाइप का सर्कल वो परफॉर्म करेगा जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा, समझा के ठीक से। ओके, इफ सपोज द पार्टिकल एंटर्स अलोंग दिस जेड एक्सिस देन व्हाट विल हैपन, अगर ये पार्टिकल जो है वो अगर जेड एक्सिस के अलोंग अगर इंटर करता है इस तरफ अंदर बिल्कुल पैरेलल टू द जेड एक्सिस, हां, तो ऐसे केस में मुझे बताओ हाउ द पार्टिकल विल रिवॉल्व एंड वेयर द फोर्स विल एक्ट ऑन दिस पार्टिकल। नाउ जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, यस, फोर्स विल बी, तो देखो यहाँ पे अगर वो इनवर्ड डायरेक्शन में अगर इंटर करता है तो सीधी बात है कि वेलोसिटी इज इनवर्ड्स, राइट, मैग्नेटिक इंडक्शन इज राइटवर्ड्स,
So if you turn the fingers from this point to this point here, then the particle will revolve in a circle which is horizontal actually. तो यही सर्कल जो है वो इस टाइप का सर्कल बन जाएगा रेगुलर से. इट विल रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन लाइक दिस इन दिस वे. तो इस टाइप का सर्कल वो परफॉर्म करेगा. मीन्स इट विल जस्ट रिवॉल्व इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल जस्ट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इनवर्ड्स. एंड इफ यू टर्न आवर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ अगर फिंगर्स टर्न करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको ये फोर्स मिल रहा है. सॉरी, तो ये डाउनवर्ड फोर्स उसको घुमाएगा. सॉरी सॉरी, तो वो एक्चुअली जो जिस सर्कल में घूमेगा तो वो फिर से इस एक्स जेड प्लेन को पैरेलल होगा. देखो सॉरी, वाई जेड प्लेन को पैरेलल सर्कल में वो घूमेगा इस तरह से. ओके, द सर्कल विल लाई इन दिस वाई जेड प्लेन इन दिस वे. ओके चलो ठीक है. बट अभी सोचो कि अगर ये पार्टिकल ऐसे एक वेलोसिटी के साथ एंटर करता है जो कि इस एग्जैक्टली जेड एक्सिस को पैरेलल नहीं है बल्कि वो थोड़ा टिल्टेड है ऐसे, ये देखो. तो इस पोजिशन में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, देखो ठीक से, कि वी विल हैव टू रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इन द टू कंपोनेंट्स. ओके, ये इसको हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली. सॉरी सॉरी, so this velocity will have to be resolved into two components, one of which is along the perpendicular direction and one is along the parallel direction to the magnetic field. to iske jo do components banenge to usme se ek component jo uska hoga to wo actually ye wala hoga jo ki is direction mein magnetic induction ke parallel direction mein hoga, aur dusra jo component uska hai तो ये वाला डायरेक्शन, ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल परपेंडिकुलर होगा. अभी इन दो कंपोनेंट्स में से जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन, बट दिस पैरेलल कंपोनेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन ऑफ दिस पार्टिकल विच विल कॉज इट्स मोशन टू बी हेलिक्स, हेलिकल मोशन उसका वो परफॉर्म होगा. तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि व्हेनेवर द पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज विद अ वेलोसिटी व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बट इट कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, वन ऑफ व्हिच विल बी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर वन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट मैग्नेटिक फील्ड. देन इन दैट केस द पार्टिकल विल जस्ट रिवॉल्व इन द हेलिकल मोशन लाइक दिस. तो इस टाइप का हेलिकल मोशन जो है वो पार्टिकल परफॉर्म करेगा. And in this case, what are the equations to be developed, and what equations it follows, and what is the pitch of this helical motion? Pitch मतलब ये दो spirals या दो helix के बीच में का जो distance है, तो उसको बोलते हैं pitch. फिर से यहाँ से ये दोनों के बीच में जो distance होता है, that remains constant, and that is actually called as the pitch of that helix. And how to find out that pitch, we'll discuss in the next lecture tomorrow. And also we see the some expressions time period for the particle in this case, in case of the helical motion. Okay, to bhi humko dekhna hai. Chalo theek hai. So ye humne aaj ke lecture ke andar cyclotron ke bare mein detail mein dekha, aur jo particle magnetic field ke andar jab particle magnetic field ke direction mein nahi balki kisi dusre angle pe inclined velocity ke sath enter karta hai तो उस समय वो किस टाइप का मोशन परफॉर्म करता है, तो वो हमने ऊपर ऊपर से देखा, टेंटेटिवली देखा, बट वी विल सी इट इन मोर डिटेल इन टुमारोज लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर. चलो ठीक है, सो आई विल एंड दिस लेक्चर हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.